हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का जो हम चालू किए थे एपी यानी समानांतर श्रेणी उसका अगला भाग बताएंगे। समानांतर श्रेणी के बारे में उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पहला वीडियो में आपको बता चुके हैं। आज हम बताएंगे एनवा टर्म यानी एपी का एनवा पद जिसका फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन को हम टीएन भी बोलते हैं, जहां ये सब क्या होता है एन, या इसको हम टीएन भी बोलते हैं टी एन, या लास्ट टर्म एल भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है अंतिम पद लास्ट टर्म, है ना। ए को हम बोलते हैं प्रथम पद और एन आपका क्या है पदों की संख्या और डी आपका हो गया सार्व अंतर के मतलब होता है सभी टर्मों के बीच अंतर समान होना। अब इसको किस प्रकार प्रूव करेंगे तो हम यहां प्रूव करके आपको दिखा देते हैं। क्या हो जाएगा, हम बताए थे कि T1 को A बोला जाता है। T1 को क्या बोला जाता है A प्रथम पद, या हम लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। T2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी, या हम लिखेंगे A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, है ना। 1 में से 1 जाएगा तो यहां 0, सिर्फ A आ जाएगा। यहां आपका 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी A प्लस डी आ जाएगा। T3 के लिए हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, यानी जितना यहां रहता है उससे एक कम डी लिखाता है। पिछला वीडियो में आपको बताया था इसके बारे में। A प्लस यहां लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार T4 जब हम निकालेंगे तो A प्लस 3D हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहां क्या देख रहे हैं, एक सिक्वेंस के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, ए तो सभी में आ रहा है। यहां देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, यानी जेमा टर्म था वही आता है, पहला तो पहला, दूसरा तो दूसरा माइनस वन, तीसरा तो 3 माइनस 1, चौथा तो 4 माइनस 1। O1 भी सिमिलरली चलते रहता है सब में एक समान, और D भी चलता रहता है। इससे हमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि अगर लास्ट में हम TN ले तो A तो आपका रहेगा ही, और जितना ऐसा रहता है N और माइनस वन इंटू डी। यही आपका क्या हो गया, एनवा पद का फॉर्मूला हो गया, यानी एपी का एनवा पद। अब इसमें लास्ट से अगर कोई टर्म निकालना हो, जैसे कोई एपी आपको दिया हुआ रहे इस टाइप से, एपी आपको दिया हुआ है कैसे T1, T2, T3, T4, ……, कितना TN तक, तो इसके बीच का जो अंतर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं, डी से। तो हम बताए थे कि अगर अगला टर्म हमें प्राप्त करना हो तो पिछला टर्म में इस सार्व अंतर को जोड़ देते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाता है। यानी T2 जब हमें प्राप्त करना रहता था तो क्या करते थे, T1 में D को जोड़ते थे। उसी प्रकार अगर T3 जोड़ निकालना रहेगा तो T2 में क्या जोड़ते थे, D। तो ये प्रथम से जब हम अगला टर्म निकालते हैं तब ये रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन जब लास्ट से निकालते हैं अंतिम से जब हम निकालेंगे तो अंतिम से प्रथम पद कौन हो जाएगा, प्रथम पद आपका ये हो जाएगा TN। क्या हो जाएगा, TN। और दूसरा पद जब हम निकालेंगे दूसरा पद तो क्या हो जाएगा, TN माइनस D हो जाएगा। यानी शुरू से निकालते हैं अगला टर्म तक सार्व अंतर जुटता है, और जब लास्ट से हम कोई टर्म निकालेंगे तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसी प्रकार अगर तीसरा पद निकालना हो, तीसरा पद तो क्या करेंगे, TN माइनस 2D हो जाएगा। उसी प्रकार अगर चौथा निकालना हो, चौथा पद अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, TN माइनस 3D। यानी इस प्रकार हम क्या करते हैं, अंतिम से कोई पद को हम निकाल सकते हैं। अगर बीसवा पद अगर पूछ दे, बीसवा पद तो क्या हो जाएगा, TN माइनस 19D। यानी जितना आपको जेमा पूछता है ओरा से एक कम डी रहता है,
जोड़ने में भी वैसा ही रहता था, शुरू से निकालते थे तो एक कम डी जुड़ता था, है ना। उसी प्रकार लास्ट से भी हम निकालेंगे, तो इस प्रकार हम निकाल लेंगे। अब आप लोग इसका एक्सरसाइज देख लीजिए, एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइज है एपी का, यानी 5.2, 5.1 आपको पिछला वीडियो में आपको बता चुके हैं, 5.2 आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद सर्व अंतर और एनवा पद एन है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहला का पहला में ए के सामने आप देख लीजिए ए 7 दिले है, डी आपको 3 दिया हुआ है, एन आपका 8 दिया हुआ है, आकार एन निकालिए। एन इक्वल टू क्या है, व्हाट, खाली स्थान है एन के स्थान पर। तो हम जानते हैं चूंकि फॉर्मूला अभी बताएं कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी। एन का वैल्यू आप यहां से तो निकालना है, तो एन रह दीजिए, ए का वैल्यू हो गया 7, एन आपका 8 है माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना आया 3, तो 7 प्लस घट के 7 आ जाएगा गुने 3, 7 प्लस 21 जुटेगा तो कितना आ जाएगा 28। यही हमारा टीएन पद हो गया, यानी एन निकल गया। एक और इसमें देख लीजिए, तीसरा फर्स्ट का थर्ड देख लो, थर्ड में दिया हुआ पहला ए इजकल टू वाट दिया हुआ है, ए इजकल टू यानी खाली स्थान है, और डी दिया हुआ है माइनस 3, और एन दिया हुआ है 18, और एन दिया हुआ है माइनस 5। एन कितना दिया हुआ है माइनस 5, कह रहा है ए का वैल्यू ज्ञात करें, है ना। तो देखिए किस प्रकार निकलेगा, यही फॉर्मूला लगाइए, चूंकि एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू यहां से रख दीजिए माइनस 5, ए का मान तो निकालना है, एन आपका 18 माइनस 1, और डी का वैल्यू माइनस 3 है, डी का माइनस 3 माइनस 5 ए आई घट के कितना आ जाएगा 17 अगुने माइनस 3 ने माइनस 5 इजकल टू ए, अब माइनस 17 ए कॉमन हो जाएगा, इसको इधर ले आवेंगे तो माइनस 5 प्लस 51 इजकल टू ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 5 घटावेंगे तो 46 आ जाएगा। इस प्रकार हम इसमें किसी को भी हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेकंड, आप देख लीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड का फर्स्ट एपी दिया हुआ है, एपी कितना दिया हुआ है 10, 7, 4... का तीसवां पद कह रहा है, तीसवां पद ज्ञात करें, है ना, तीसवां पद ज्ञात करें। तो ए बराबर प्रथम पद हम बताए थे कि जो होता है उसी को ए बोलते हैं, डी आपका कितना हो जाएगा दूसरा में से घटा देंगे यानी 7 माइनस 10 माइनस 3। अब पूछ रहा है तीसवा पद यानी T30 इक्वल टू व्हाट। हम एक डायरेक्ट फार्मूला पर भी बना सकते हैं या हम इससे भी निकालेंगे, हम जानते हैं कि चूंकि T30 बराबर हो जाएगा कितना, या हम ऐसे लिखेंगे तीसवा पद के मतलब हुआ एन बराबर कितना दिया हुआ है 30। फॉर्मूला लगा दीजिए, टी एन बराबर कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप टी एन लिखिए चाहे एन लिखिए और ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए का वैल्यू 10, एन का वैल्यू कितना है 30 माइनस 1, और डी हो गया आपका माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 29 अगुने माइनस 3, 10 अब माइनस कितना 87 घटेगा माइनस 77, यही आपका टीएन हो जाएगा, यानी कि तीसवा पद हो जाएगा, केमा पद तीसवा पद, यानी T13 बराबर कितना आ गया माइनस 77। नेक्स्ट इसी प्रकार आप थर्ड नंबर देख लीजिए, थर्ड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है क्या है, 2 दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान दिया हुआ है, और 26 दिया हुआ है।
इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका टी वन है, ये टी टू है और ये टी थ्री है। यहाँ टी वन बराबर आपका ए होता है और ये आपका कितना दे है टू, और टी टू हमें क्या करना है ज्ञात करना है, और यहाँ टी थ्री कितना दे है 26। और टी थ्री के लिए हम लिख सकते हैं कितना, ए प्लस टू डी बराबर कितना 26, और ए का मान यहाँ से रख देंगे 2 और प्लस 2d इसका टू कितना 26, 2d बराबर हो जाएगा, 2 उधर चल जाएगा तो 26 माइनस 2 यानी 2d बराबर हो जाएगा 24, कटेगा 12 दूनी 24, तो d का मान कितना आ जाएगा 12। अब हमें निकालना है कितना t2, तो t2 के लिए हम लिख सकते हैं कितना a प्लस d, ए का मान यहाँ हमें मालूम है 2 और डी यहाँ कितना आ गया 12, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14, है ना। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। थ्री में एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, थ्री का क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थान दिया हुआ है कि 38 है, फिर रिक्त स्थान है, फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिर आपका रिक्त स्थान दिया हुआ है और उसके बाद -22 है। कह रहा है रिक्त स्थान पर क्या होगा, तो ये आपका पहला टर्म हो गया T2 है, T3, T4, T5, T6, यानी T2 और T6 दिया हुआ है, बाकी को क्या करना है निकालना है। दिया हुआ है कितना T2 बराबर 38, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस कितना d, एक कम रहता है बराबर 38, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। एंड वहां से t6 बराबर दिया हुआ है -22, इसको लिखेंगे a प्लस कितना 5d बराबर -22, इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे सेकंड। और दोनों को सोल्व करके a और d निकालेंगे, उसके बाद सभी टर्म को हम क्या करेंगे निकाल लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा a प्लस डी बराबर 38, आई ए प्लस 5d इक्वल टू कितना -22, घटा देते हैं माइनस यहां तो आपका प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा -4d, और यहां से आपको ये दोनों ऐड हो जाएगा, 8 2 10 के 0, 3 2 5, आई 6 60 हो जाएगा, 15 6 60, यानी d बराबर कितना आ जाएगा -15 आ गया। अब d का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 से 1 में वैल्यू रख रहे हैं d का, तो कितना हो जाएगा a माइनस हो जाएगा 15 इसका टू कितना 38, तो a इसका टू हो जाएगा 38 प्लस 15, 8 5 13 के 3, 3 1 4 1 5, 53 आ जाएगा। अब हमें निकालना था T1, T1 को हम ये बोलते हैं तो ये बराबर कितना आ गया 53 हो गया। उसी प्रकार T2 तो निकला हुआ है, T3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस 2d, a का मान आपका 53 है और प्लस 2 और d का मान कितना -15, यानी 53 और -15 दूनी 30, घटेगा तो कितना आ जाएगा 23। फिर हमको निकालना है T4, तो T4 कितना हो जाएगा a प्लस 3d, तो a का मान आपका 53 और प्लस 3 गुने -15, 53 और -15 कितना 45, घटा दो 8 5 13 8 आ जाएगा। उसी प्रकार T5 हम निकाल लेंगे, है ना। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एपी कितना दिया हुआ है 3 8 13 18 ।। कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, यही ना है। तो क्या करेंगे, ए आपका 3 हो गया, डी निकालेंगे तो 8 - 3 यानी 5, और टीएन आपका दिया हुआ है कितना 78,
कौन सा पद 78 है, यानी एन हमें निकालना कह रहा है, पद पूछ रहा है कि केमा पद है जो 78 होगा, एकर मतलब वो लास्ट वाला होगा, तब टी एन हो गया 78, और पूछ रहा है केमा पद है यानी एन, यानी पदों की संख्या वो केमा है, यानी एन पूछ रहा है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, तो एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैल्यू पुट कर दो, ए एन का मान 78, एन या टी एन भी लिख सकते हो, ए का मान 3 प्लस एन तो निकालना, एन रहने दो, और डी का वैल्यू 5, 3 इधर ले आवेंगे तो 78 माइनस 3 हो जाएगा, एन माइनस वन गुने 5 घटेगा तो 75, एन माइनस वन इंटू 5, 5 से ही कट जाएगा, 15 पचे 75, यानी एन माइनस वन इजकल टू 15, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 15 इधर आवेगा तो प्लस 1 यानी 16वां पद, ये जो 78 जो है वो केमा पद होगा, 16वां पद हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए, इधर आपका 5-6 इसी टाइप के क्वेश्चन है, 7 आप देख लें, क्वेश्चन 7 क्या दिया हुआ है, कह रहा है एपी का 31वां पद ज्ञात करें, यानी T31 इक्वल टू वाट ये निकाले कह रहा है, और दिया हुआ क्या, ये ग्राहमा पद यानी T11 दिया हुआ है 38, T11 के लिए लिखेंगे a प्लस 10d 38, इक्वेशन फर्स्ट ना, जितना रहता है उससे कम होता है। उसके बाद आपको दिया हुआ है 16वां पद यानी T16 इजकल टू दिया हुआ है 73, इसको हम लिखेंगे a प्लस कितना 15d इजकल टू 73, इक्वेशन नंबर 2। अभी हम बताएं दोनों के सोल्व करके ये और डी का वैल्यू निकालेंगे, और फिर जो पद निकाले कह रहा है उसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, a प्लस 10d इजकल टू 38, और a प्लस 15d इजकल टू कितना 73, माइनस करेंगे सर ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5d, ये हो जाएगा माइनस कितना 8, 5, 13 और 3, 7, 5, 35, माइनस से माइनस कंसील हो जाएगा है ना, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। अब डी का मान रख दीजिए किसी समीकरण में, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, डी के मान यहां रख देते हैं, ए प्लस 10 × 7 38, ए बराबर आपका हो जाएगा 38, आई 10 × 70 इधर माइनस में चल जाएगा तो कितना बचेगा 2 और 4, माइनस 42 है ना। अब हमें निकालना क्या था T31, तो इतना के लिए हम लिख सकते हैं कितना a प्लस 30d, तो a के मान आपका आ गया 42 और 30, और d के मान आपका कितना है 7 है, माइनस 42 और प्लस 27 210 घटा लीजिए 8, 6 और 1 168 आ जाएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, एपी के किसी भी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बाकी जो इसमें क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।